असलम स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में एक्सरसाइज 19.2 का क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज दिस? क्वेश्चन नंबर 4। सही है। अच्छा खैर, अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो मैं आपको बताते चलूँ कि मेरे चैनल पर होल प्लेलिस्ट जो है वो चैप्टर 19 की, 18 की, 17 की जो है वो अपडेटेड है। आप लोग पूरी प्लेलिस्ट, पूरी पूरी एक्सरसाइजेस जो है उसमें से देख सकते हैं। ओके। अच्छा, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है, और इससे पहले के भी हमने क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व हैं, कुछ कॉन्सेप्ट भी करवाए हुए हैं, तो आप लोग वो वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा, अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें कह रहे हैं कि आपके पास दो मैट्रिक्स है। मैंने अभी यहाँ पे एक ही कॉपी किया है। आपको बताना है कि मैट्रिक्स सिंगुलर या नॉन सिंगुलर। आपको पता है कि अगर ए डिटरमिनेंट का आंसर 0 आएगा तो वो सिंगुलर होगा, अदरवाइज कुछ भी आता है तो वो नॉन सिंगुलर है। तो हम चेकआउट कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या आने वाला है। ये 3x3 का ब्रैकेट है, तो इसका जो तरीका होता है वो डिफरेंट होता है। पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर किसी ने नहीं देखी है तो वो देख लें, वैसे नहीं देखी तब भी इस वीडियो से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, पिछली वीडियो का लिंक नहीं है। सही है, करें क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, आपको पता है कि 0 लेंगे पहले, और मैं तो पहले मैट्रिक्स बना लेती हूँ, आदत होती है। और ये फॉर्मूले का माइनस है जो कि माइनस ही लिखना है। 2 लेंगे, फिर ये वाला 2, फिर -1 लेंगे। अच्छा, ये फॉर्मूले का माइनस नहीं है, प्लस है, लेकिन प्लस माइनस माइनस। वैसे यहाँ पे माइनस नहीं होता, प्लस होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ माइनस था तो माइनस प्लस माइनस, तो ये 1 यहाँ मैंशन कर दिया। चलो ठीक है, अब मैंने 0 लिया है ना, तो हमें क्या करना है कि ये सही है और ये नहीं कॉपी करना। सही है, तो 2 -2 और 1, और 2 और -1 लेना, -2 और 1 और 2 और -1। सही है, इस तरह जब हम ये लेंगे 2, तो हम ये और ये नहीं लेंगे, तो हमें क्या लेना होगा, 3 3 1 -1, 3 3 1 -1। सही है, ठीक है। और फिर अगर इसकी बात करें तो अब -1 है तो ये नहीं लेना होगा, तो क्या लेना होगा, 3 -2, 3 2। सही है, अब हम क्वेश्चन कर लें, क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, ये तो है 0, इसने पूरे ने 0 जाना है, तो मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ और करूँ, अदरवाइज फॉर्मूला आपको पता है कि लगता है AD - BC, मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में फॉर्मूले का माइनस है, और 3 1 3, प्लस माइनस माइनस, 3 1 3, इस तरह। ये माइनस ऐसे ही, 1 ऐसे ही है, और 3 2 6, माइनस फॉर्मूले का 3 2 6, तो ये माइनस का 6 ऐसे मेंशन कर देते हैं, वैसे तो है कॉपी। अच्छा, इसको 0 तो ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये -6 हो जाएगा, -6 2 -6 2 12, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 12 आएगा, ये माइनस का 6 है ना, तो माइनस का 6 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 12 आएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस माइनस प्लस, तो 6 और 6 12, 12 1 12, ये माइनस का 12 आ जाएगा, तो प्लस का 12 माइनस का 12 कैंसिल, तो ये आ गया 0। तो इसका मतलब कि ये मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है, तो मैं मेंशन कर दूंगी, सिंस दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स, ये दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर। ओके, अब इसका पार्ट करें, सेकंड पार्ट, बी जो बी मैट्रिक्स जो दिया हुआ है, चलें इस सेट का भी जल्दी सिंगुलर मैट्रिक्स निकाल लें, मैट्रिक्स का, सॉरी व्हाई आई डू दिस ऑलवेज। अच्छा खैर, ए डिटरमिनेंट, ओके, और आपको पता है कि ये 0 लेना है, सही है, फिर मैट्रिक्स फॉर्मूले का माइनस, 2 2, फिर मैट्रिक्स फॉर्मूले का प्लस, लेकिन यहाँ तो माइनस है तो आपको माइनस लेना होगा, प्लस माइनस माइनस, सही है, और फिर ये बना दिया। और फिर आपको पता है ये 2 नहीं लेना है, ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, ये और ये ही लेना है, ठीक है, अब तो आपको आइडिया हो ही गया होगा, ये 2 है तो आपको ये और ये नहीं लेना, 3 3 और 1 1 लेना है। सही है, इस तरह ये है, तो आपको सिर्फ ये सिलेक्ट करना है, 3 3 -2 और 2। चलिए सॉल्व करते हैं, तो 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा, ये -2 है, 3 1 3 और 3 1 3। आपको पता है AD - BC में माइनस होता है बीच में, मैं बोल रही हूँ AD - BC, -BC, 3 2 6 माइनस है, 3 2 6, तो माइनस माइनस प्लस, डायरेक्ट कर रहे हैं भाई टाइम,
थ्री से थ्री कैंसिल जीरो होगा तो ये जीरो ही आएगा, है ना, जीरो आएगा ना, हाँ जीरो आएगा। लेकिन सिक्स और सिक्स ट्वेल्व, तो ये माइनस का ट्वेल्व। तो इन शॉर्ट हमारे पास बच रहा है एंड में माइनस का ट्वेल्व, जो कि जीरो के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब इस बार ए डिटरमिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो आया है, सही है। तो हम तमीज के दायरे में लिख देंगे सिंस, बदतमीजी से भी लिख सकते हैं, सिंस मैट्रिक्स इस नॉन 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 सिंगुलर, जल्दी में लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने कर लिया कि आइडेंटिफाई करना सीख लिया कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। उसके अलावा जो 3 बाय 3 के ए डिटरमिनेंट निकालने की भी दोबारा प्रैक्टिस हो गई है, सही है स्टूडेंट्स। अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और वीडियो आके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।